नमस्कार, मैं सारिणी। आज मैं फिर से आप सबके साथ एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आप सबको कच्ची केवी का पन्ना बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है। ये पूरी गर्मी ज़रूर हर दिन के ड्रिंक में शामिल करें। ये शरीर को इंटरनली कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। तो चलिए मैं आपको इसका सही तरीका बनाने का बताती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको पन्ना बनाने का सही तरीका बताती हूँ। आम पन्ना बनाने के लिए कच्चे केवी की ज़रूरत होती है, साधारण नमक, काला नमक, जैगरी या गुड़, ब्लैक पेपर पाउडर और ये जीरा पाउडर है। सबसे पहले आम को बॉईल करेंगे। एक बर्तन में 2-3 कप पानी ले लेंगे और उसे स्टोव पर गर्म होने चढ़ाएंगे और उसमें ये आम डाल देंगे। अब इस आम को ढककर अच्छी तरह से पका लेंगे। ये अच्छी तरह से पक चुकी है आम। ये पकने के बाद देखिए आम फट जाती है। अगर नहीं फटे तो इस तरह से चम्मच को अंदर डालकर देखेंगे, आराम से अंदर चली जाती है। तो समझ जाए आम पक चुकी है। अब गैस को बंद करती हूँ और आम को इस पानी से निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे। आम को इससे निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा करना होता है। ठंडा करने के लिए इसे 2 से 3 बार 4 बार ठंडे पानी में डालकर पानी को बार बार चेंज करते हैं और तब इसे उस तरह से ठंडा किया जाता है। अब इसमें ठंडा पानी डालूंगी और इसे तब तक ठंडा करूंगी बार बार पानी चेंज करके, जब तक ये आम बिल्कुल ठंडी ना हो जाए। अब ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब इसे पानी से निकाल कर और इसके पल्प निकालेंगे। इसके पल्प निकालने के लिए इसे इस तरह से हटा लेंगे। इसके इस तरह से पल्प निकाल लेंगे। इसके अंदर ही बहुत सारी रहती हैं। इस तरह से सारे आम को छीलकर उसके अंदर के पल्प को निकाल लेंगे। अब पल्प निकालने के बाद ये गुठलियों और इसके छिलके को फेंकना नहीं है। बहुत तेज़ गर्मी में अक्सर लोगों को लू लग जाया करती है। बॉडी का हीट और टेम्परेचर बहुत तेज़ हो जाता है, फीवर आ जाती है। वैसे फीवर में इसे लगाकर स्नान करने से फीवर बहुत जल्दी उतरती है। इसे लगाकर पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर के तलवे तक लगाकर 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट में ये पूरे शरीर को बिल्कुल ठंडी कर देती है, फीवर ख़त्म कर देती है और लू लगे हुए आदमी को तुरंत आराम हो जाता है। तो इसे फेंके नहीं, पूरे शरीर में लगाकर स्नान करें तो गर्मियों में बहुत ही ठंडी, बहुत ठंडक पहुंचाएगी। तो गर्मियों में पूरे शरीर में ठंडक पहुँचाती है। इस तरह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे ऐसे ही फेंकना नहीं है, इस्तेमाल करके फेंके। बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है ये। आम पन्ना गर्मियों में ठंडक के लिए पी जाती है। ये बहुत ही ठंडी होती है इसलिए इसे गर्मी में पिया जाता है। इसलिए आम पन्ना बहुत ठंडक पहुंचाती है।
इसलिए इसे गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैंने दो छोटे आम का पल्प लिया है। इसमें मैं 4 बड़े चम्मच गुड़ डाल दूंगी। आधा छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक, नॉर्मल नमक, और आधा चम्मच काला नमक। अब इसे पीस लूँगी। अब इसे पीस कर स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अब स्मूथ पेस्ट बन चुकी है। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और उसमें ठंडा पानी मिक्स करेंगे। ये पल्प की बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन गई है। अब इसे एक बड़े बर्तन में ले लेंगे, निकाल लेंगे। और इसमें 3 ग्लास पानी डाल देंगे। इसका थोड़ा नमक भी चेक कर लेंगे कैसी है। अगर ज़रूरत है इसमें थोड़ी और नमक जाएगी तो मैं आधा चम्मच वाइट सॉल्ट और आधा ब्लैक सॉल्ट पाउडर डालती हूँ, और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब ये देखिए, ये बिल्कुल सर्व करने को आम पन्ना रेडी है। ये आम पन्ना गर्मी में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देता है, इसलिए इसे डेली ज़रूर पीना चाहिए। पूरी शरीर ठंडी होती है इससे, इंटरनली ठंडी होती है, इसलिए आम पन्ना का इस्तेमाल गर्मी में ज़रूर करें। इस तरह से आम पन्ना तैयार की जाती है। आप इसे पूरी गर्मी डेली के ड्रिंक में ज़रूर शामिल करें। ये पूरे शरीर को इंटरनली कूलिंग इफेक्ट प्रदान करती है। आप इसे बनाकर पीकर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।